Are you still in love with your ex or have any feeling? जब तू उसको देखता है तेरा दिल दुखता है, धक 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 करता है. बता honestly opinion, honestly. I do not know मतलब क्या? मुझे क्या पता मतलब? No, I need an answer. Yes or no? सच बोल. Yes or no? Yes. First of all, welcome back to the podcast, Positive Perspective. This is my co-host, Mazi. Nasir, Pesha, Mechanical Engineer. Yeah, bolne nahi tha abhi. Chhavle bol. So yeah, and please go and subscribe to my channel. It would be really helpful. Agar aap subscribe kare mere channel pe. Hum bahut mehnat kar rahe hain yahan par Maz. Daily hafte baad aata hai. Dua kare iska jaldi ho jaye subscriber taki merchandise banane lag jaye. Nahi, merchandise ka aukaat nahi abhi hai. Merchandise bahut der se banne wala, but banne wala ek din. So yeah, anyways. तो या वाटर बलून फाइट. सो व्हाट वाज आई सेइंग, व्हाट वर यू सेइंग? सॉरी. हां, तो हमारा ईद का दिन था एंड वी वर हम लोग सब बचपन पे मेंशन तो करना बचपन को पता है बचपन की. और हम लोग अभी हम लोग को लगे ईद पे अभी ऐसे खेल लो. नहीं नहीं, तो वहां बचपन का वक्त था. उस वक्त हम सारे स्कूल में थे. उस वक्त ये भी थोड़ा सा छोटा था एज में. कितना छोटा था तू भाई? हम लोग मिले कब थे? हम लोग में जब 10 साल ऐसे कुछ था. हां, वो हम लोग तो कुछ 13-14 साल का था. 10 साल. वाटर बलून का बात कर रहा तो 13-14 था. मैं था फिर 16 था. तो हम सारे इलाकों वाले दोस्तों ने प्लान किया था, चल ठीक है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाटर फाइट करेंगे, वाटर बलून फाइट. एवरीबॉडी हैज जितने भी वाटर बलून लेकर आने लेकर आओ और गन होगी, वाटर गन फाइट वाली. अल्फला से खरीदे थे? अल्फली से खरीदा था. अल्फली नहीं, अल्फला. अल्फला अल्फला से खरीदा था. और हम लोग ने ये प्लान किया था कि 30 में डिवाइड होंगे. हाँ, और हमारा इलाका हम लोग ने एक्सपेंड कर दिया था. हम टी एम सी का इलाका. और बाय द वे टी एम सी मतलब ता मेडिकल सेंटर गैंग था. हाँ, लाइक नॉट लाइक गैंग गैंग बट स्किट स्किट. हाँ, तो वो हमने एक्सपेंड कर दी थे. काफ़ी बड़ा एक्सपेंड किया था उन्होंने. मस्जिद तक हमने एक्सपेंड किया था वो एरिया. हाँ, वो पीछे पीछे जो मुझे था स्कूल के पीछे. हाँ, तो हमने वहाँ तक बहुत बड़ा एक्सपेंड किया था. एंड वी ऑल गेम हम लोग सोए में हम लोग सोए नहीं थे. हम लोग उठ के आए, हम लोग नाश्ता साश्ता किया, बैठे हम लोग. हमने बोला चल ठीक है, टॉस करते. हमने लोकेशन चुनी कि हम दो साइड से अटैक करेंगे ना. मैं तो मस्जिद की साइड से अटैक कर रहा था. और हुआ क्या था मेरे साथ, हमने जो वाटर बलून भरे थे वो फट गए. हम लोग पानी पे मस्जिद का पानी. हाँ, वो फट गए, वो उधर ही फटे हुए क्योंकि फट गए क्योंकि वाटर बलून सस्ता माल वाला था. माल और वाटर बलून ही फट गए. तो हम लोग बैठे हुए और हम लोग ने वाटर बलून लिए, पॉकेट में डालते थे हम लोग. हमारे पैंट हील नहीं हो गई थी क्योंकि बलून फट गया था पॉकेट में. इतना टाइट था बेसिकली तो फटते कि वो हम लोग उधर हमने कैसे लड़ाई की थी. पैंट गीली थी. वाटर बलून के एंड में हमारा पूरा शर्ट पैंट गीला था लिटरली. वो हमसे कोई हमने वो भी खाई थी ना नाइट पी से बीच में से क्या पानी पानी फेंक रहे हो ये वो बीच में से. हाँ, वो तो बिल्डिंग वाला आया था हमें पकड़ा था बेसिकली. बोल रहा था वो तुम लोग बिल्डिंग के अंदर कर रहे थे. वी यूज्ड टू गो इन द बिल्डिंग थ्रो द वाटर. तो नतूर वगैरह आकर वहाँ से दे स्टार्टेड येलिंग एट अस. सो ये क्या कर रहे हो देन ऑल दैट. अभी तो याद है यार लिटरली मैंने बचपन में लाइक आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट. वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट अ लॉट. और भाई अच्छा प्लेयर था आई वुड जस्ट से एंड मास इज द प्रूफ. तो बहुत शीशे तोड़े भाई ये तू कभी डिनाई नहीं कर सकता. आई वॉज अ बैड प्लेयर. Like I was a fucking good player. You might be an average player. Average? You fucking serious right now? No. Okay. जो मेरे स्कूल के दोस्त थे literally they also know. Cause boy was captain in school. और इलाका पे भी भाई का pace बहुत आला था. Batting पे चिकना batsman था. So इसका तुझसे क्यों पूछा? तू तो shit player था. चुका. हाँ cricket ना तो shit. नहीं क्या? Football पे भी. No football पे भाई. I football में can't compare to me. No matter what. भाई तेरा सिर्फ tase था. Maz was a player who he was like बहुत ज्यादा खेलते थे बचपन में और छुपन छुपाई. बट पकड़म पकड़ाई बहुत फेमस था और मास सबसे फास्टेस्ट था हमारे ग्रुप में. उस्मान सेकंड था, मैं थर्ड था. तो उस्मान पहला स्लो था, वो पाकिस्तान जाकर पता नहीं क्या स्टिंग शिंग खाकर है लंबा हो गया और बहुत तेज हो गया था वो सडनली. तो हुआ ये कि माज को पकड़ना इट वाज लाइक इम्पॉसिबल बिकॉज इसका तेज था और ये डॉजिंग बहुत अच्छा करता था. मैं करता था और मैं भी डॉज पे बहुत एक्सपर्ट था डॉजिंग पकड़ने पकड़ाई पे. बट इससे नहीं
तो इस भाई साहब को एक बार पकड़ते पकड़ते एक घंटा लगा, वो भी पकड़ा नहीं हम लोग ने, इसने गिव अप कर दिया था। मतलब भाई होगा नहीं, और उससे कज मेरा एनर्जी खत्म। तो इट वाज लाइक दोस वर फकिंग गुड ओल्ड डेज, लाइक यू नो पकड़ना पड़ा हम लोग ने। वी आई वाज ये भी मुझे पकड़ने की कोशिश कर, अच्छा हुआ क्या तो पीछे फाइन मैंने पकड़ से दिया। They start giving negotiations. Yeah, mask pagar, aaja na yaar. Give up karunga. Jo dhu bilaunga, chis khilaunga yaar, aaja na yaar. Kyun bhaga raha hai itna? Kyun kaam kar raha hai? There was a stage jo ek circular wala tha. And चारों ने पकड़ने की कोशिश की, फिर भी नहीं हो पाया। नहीं हार पाया था। Dodging, इसका dodging बहुत next level था। But इससे एक अच्छा था, अदनान। can easily like jump into it and tum niche jaake directly girte ho. Yeah, that guy jump from that, the guy pakad pakda he jump from that and we're like why would he jump that, upar se usko kuch chot bhi nahi laga. Ha chot bhi laga, wo literally bandar tha usko. Nahi uske sath wo bhi hua tha na jo mukh pe deewar lagi thi, gaadi ka darwaza bhagte gaadi bhi laga tha, wo jo deewar jo cycling mein ki thi wo upar se wo like us time वो जब पकड़ पकड़ा खेलता वो डॉच कैसे करता था, गाड़ी के ऊपर छलांग मारता था विद्यु जम्बाल की तरह, लिजिट लाइक ही वाज लाइक अ मंकी, बहुत आला। बट आई डोंट नो वेयर इज ही राइट नाउ, कोई कनेक्शन कुछ भी नहीं है, आई थिंक वो याद भी नहीं, उसको याद भी नहीं होगा। बट अदनान इफ यू आर वाचिंग दिस यू आर द जीजी, बट यार इट वाज वेरी गुड ओल्ड डेज यार, बचपन की कहानियां बहुत लाइक नेक्स्ट लेवल। हां आप क्रिकेट की बात कर रहे थे। हां क्रिकेट, ओके तो बेसिकली क्रिकेट में बॉय वाज very good player, I would consider myself as good player, not very good batsman, all rounder tha, right hand se bowling kar sakta tha, left arm se bhi spin, right arm se fast spin, dono batsman batting dono left right kar sakta tha acha, wo bhi not like bakwas left hand se bhi kar sakta tha acha, right hand se bhi acha. Before we give a context about the aage to bole main just need to give them the surroundings ke mukaan khelte the पार्किंग में खेलते ऐसे वाला पार्क। हां ऐसा वाला पार्किंग आप उसे देख रहे हैं, बट इससे बड़ा था। बट देयर इज अ कैच, यहां पे इस तरफ स्कूल था ठीक है, और ये पूरी बिल्डिंग्स का इलाका था और ये पूरी रोड थी, यहां पे सारी गाड़ी पार्क थी। एंड आवर मेन पॉइंट वाज दैट कि इफ यू एवर हिट अ शॉट टू द स्कूल यू आर आउट, सो वी वर वेरी रिस्ट्रिक्टेड ऑन दिस बैटिंग ग्राउंड। So now please continue. So yeah, I was a very hum log tournament bhi khele and I have performed very well and so yeah, it was a good old days. Abhi khud ka brag nahi karna chahta because it's been a while, I don't play anymore. So wo ek scene hai, but yeah, it was good old days. So yeah, mera khayal, I was having thought, although hamara age nahi hai iske bare mein baat karne ke liye, we are too young for it. बट फिर भी ओपिनियन है। चुप हो जा भाई, नहीं करके बात नहीं पूछता गाइस। बाय द वे सो हुआ ये कि मास का अम्मी जो है शी वांट्स मास टू गेट मैरिड वेरी यंग, लाइक यंग नहीं मतलब जल्दी ठीक है। तो मास के एज अभी माशाल्लाह 24 का होगा, तो मास इज लाइक यू नो अभी एज हो रहा है बट अभी तक स्टेबल नहीं हुआ फाइनेंशियली, तो मास का कोई सीन नहीं, शादी वगैरह का। तो मास तेरा क्या ख्याल है, बच्ची शच्ची कोई मिला लाइक यू नो एनी गर्ल्स? नथिंग, पहला तो बहुत खुश होता था मेरे भाई, हमेशा बोलता था मंजू शादी करने वाला हूँ बहुत जल्द। बट अचानक से मास व्हाई दैट फीलिंग, आई हैव नॉट गॉट इनटू इट, ही नोस इट। नहीं व्हाई, लाइक द पीपल वांट्स टू नो व्हाई। नो पीपल डोंट वांट टू नो, सडनली वो प्लान चेंज कैसे हुआ तेरा? बस यार किस्मत बुरी कर देती है ना, लाइफ इज अनफेयर टू यू समटाइम्स। कैसे नहीं, बट व्हाई? तू तो बहुत ऐसा जॉली पर्सन था जो शादी यार बच्चे शच्चे लाइक यू नो एंड ऑल दैट। 11 बच्चे सोचे थे उस लड़की के साथ, बट अनफॉर्चुनेट उस लड़की ने क्यों मास नहीं व्हाई इज द चेंज? अभी मास शादी करनी नहीं चाहता, मुझे फोर्स करने पड़ता मास को, मास शादी करेगा तू करेगा, मैं हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ तू करेगा। भाई सिंपल बात है कि शादी की बात करनी इससे पहले बात कर ले, क्योंकि ये बंदा 25 एज ओल्ड में शादी करने चाहे मुझसे ज्यादा जल्दी है। नहीं 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 25 नहीं भाई, सही तरह बोल 18 भाई, मुझसे ज्यादा डबल जल्दी था, 18 एज में शादी करनी थी भाई, क्या बोलता है। तो मैं अपना कॉन्टेक्स्ट बोलता हूँ, सो हुआ ये कि आई एम अ पर्सन हु इज वेरी हु वॉन्टेड टू गेट मैरिड वेरी यंग,
और बच्चे भी बहुत लेट हुए, तो ये मेरा मेंटालिटी था कि मैं चाहता नहीं था जब मैं बाप बनूं इंशाल्लाह इन फ्यूचर कि मैं और मेरा मेरा मैं और मेरा बेटा इतना एज गैप पे नहीं हुआ. आई कैन अंडरस्टैंड हिज पर्सपेक्टिव, आई कैन प्ले बी अ फ्रेंड विद हिम, बट कज मेरा और मेरा अबू का बहुत एज गैप है, मुझे वो नहीं चाहिए. कज हम लाइक थोड़ा सा इतना हो गया, लाइक यू नो बाप बेटा भी एक जनरेशन वाइज वो एग्जैक्टली, बट मुझे दो तीन जनरेशन ज्यादा हो जाएगा तो इशू होगा. बट मैं ये नहीं कह रहा मेरा अबू और मेरा बॉन्डिंग नहीं है, लिटरली मेरा और मेरा अबू का बहुत आला बॉन्डिंग है. लिटरली ही इज लिटरली अ चार्मिंग पर्सन, बहुत फ्रेंडली बंदा है. हिज फ्रेंड्स गॉट मैरिड हु आर 24-25. बट टू बी ऑनेस्ट द थिंग इज मैंने ये कॉन्सेप्ट क्यों चेंज किया, बिकॉज द थिंग इज हमारा लाइफ में इतना जॉली टाइम नहीं था. लाइक यू नो हाँ था, बट व्हेन वी वेंट टू दैट स्टेज फाइनेंशियली तब पता चलता यार मैं चाहता हूँ मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो लाइक जो मुझे आई वॉन्ट अ गर्ल हु अंडरस्टैंड्स मी सपोर्ट्स मी फर्स्ट ऑफ ऑल. चाहे आपको कभी रिक्वायरमेंट्स मिल रहे हैं बंदी बंदी अगर तुम्हें लगता है तुम होने वाली है मैं हेट हिम अप दैट आई एम नॉट स्लाइड इनटू हिज डीएम्स. नहीं आई एम नॉट सेइंग दैट, इट्स जस्ट आई वांट अ गर्ल हु सपोर्ट्स हु अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ लाइफ, जो रियल लाइफ क्राइसिस समझे फर्स्ट ऑफ ऑल. नॉट लाइक यू नो मेकअप काम करे मेरा, लाइक यू नो आई वांट टू गो अ फाइव स्टार रेस्टोरेंट्स एंड ऑल दैट. सो आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल, आई वांट हु इज अंडरस्टैंडिंग सपोर्टिव, जो लाइक यू नो फाइनेंशियल सिचुएशन समझे और मुझे हर हमेशा सपोर्ट करे. Because and it's very hard to find these kind of girls these days, to be honest, very frankly speaking. So yeah, तो मैं ऐसे नहीं चाहता कि I want to get married when I'm literally stable, family पूरा like मेरा अपना खर्चा से. ये नहीं कि मैं अपना बाप का पैसे से शादी करूँ, बाप का पैसे से अपना बीवी को खिलाऊँ. That's not my fucking goal. Because some of the guys they have married, उन लोग like उन लोग अपना बाप का पैसे से जी रहे हैं. मुझे कोई issues नहीं है, first of all, just to clear it out, मुझे कोई issues नहीं है उन लोग अपना बाप का पैसे से खा रहे हैं या जो भी करें. बट द थिंग इज यार सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है यार, कम ऑन. इस उन लोगों का बाप का पैसा से लाइक यू नो उसका बीवी को चला रहा है जो भी है. मैंने ऐसी भी स्टोरीज देखा जहाँ पे जो लड़का शादी करता है शादी किया उसका ससुर का पैसा से वो मास्टर्स करने बाहर जा रहा अब्रॉड, ऐसे भी किसे सुने. सो मुझे ऐसा सिचुएशन नहीं चाहिए बिल्कुल भाई. मैं अपना कमाई पे करना चाहता हूँ अपना सब कुछ, जब अपना सिचुएशन अच्छा होगा तब सोचेंगे. बट देन ऑल्सो माई एम गोल इज टू मैरी बिटवीन 26-28, लाइक यू नो दैट्स माई इनिशियल गोल. We will come back to this video by age of 26 or visit. Yeah, then let's then see. We'll see. सोच में उस टाइम भी कबार बोलूंगा नहीं. दो साल बाद perspective change में बोलूंगा. यार मास्टर जी पता है 50 तक शादी करनी चाहिए. 50 तक सही है. कुछ कुछ हो रहा नहीं life में. But anyways यार मेरा ये scene था. That's the reason behind why I wanted to get married young and all that. मास्टर भाई आपका तो पता आया नहीं. आपका suddenly change कैसे हो गया? पहले तो आप अपना अम्मी को बता भी दिए थे. माय पर्सपेक्टिव है. नहीं 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 आपका अम्मी को बता भी दिए थे कि आप लड़की रेडी है. बहन को भी पता था लड़की रेडी है. बट अचानक से ये ट्विस्ट कैसे? लेकिन अभी शादी करने का इरादा ही नहीं है. म्यूचुअली कैसे भाई? अभी भी सामने जब आता आप तो डॉजिंग कर रहे थे. मैं डॉजिंग नहीं कर रहा था भाई, मैं ओके था, बस ओके मैं ठीक था. अभी भी डॉज बॉल की तरह ऐसे जब सामने जब आता है बस ऐसे पलटी मारी ना वो. इट्स नॉट माय फॉल्ट, इट्स नॉट माय केस. माय आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड. देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. मुझे अपने काम, देयर इज लाइक माय फैमिली इज काइंड ऑफ वेरी 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 कॉल्ड. हम लोग अपने से अपनी चीजें रखते हैं सिर्फ. एंड देयर आर सम प्लान्स दैट वी वांट टू डू बिफोर वी गो इन दैट पर्टिकुलर प्लेस. बट For now, as of this date, I can assure that a lot of people that I'm not going to get married. देखते. Good है, fit है. So, anyways, I think इतना बकचोदी हो गया है. हाँ, बकचोदी हो गया. तीन चार बकचोदी, पुराना ज़माना का किस्से थोड़ा बताया, शादी का प्रस्पेक्टिव बता दी. I think next podcast में शायद कोई गेम शेम खेल लेंगे, Truth or Dare या भी खेल लेंगे. यार बच्चे से याद है मुझे इसके बारे में नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे. बच्चों के बारे में लाइक नॉट बच्चों के बारे में जनरेशन कैसे ब्रॉट अप हो रहा है बच्चों के बारे में. मेरे पास बहुत आला एक सीन है.
तो या बट स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट. ओके हाउ वी डू दिस लाइक ट्रुथ और डेयर की सही ट्रुथ और डेयर तीन क्वेश्चन ट्रुथ और डेयर बट हम लोग ट्रुथ ही लेंगे. तू भी ट्रुथ देगा मैं भी ट्रुथ सर ट्रुथ ही लेते हैं भाई. डेयर तो अभी कर नहीं सकते बट क्या करेंगे करेंगे एक दिन एक दिन आज नहीं. सो ट्रुथ ओके पहला मुझे पूछिए मुझे लाइक यू नो आई डोंट आई नीड टू थिंक अबाउट सम क्वेश्चंस. व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन ऑन What's your personal opinion on some of your friends? Some of my friends? Personal opinion. Specific. नहीं specific नहीं चाहिए. नहीं specific बोलने पड़ेंगे ना मैं ऐसे कैसे बोलूँ कि your friends? जो तेरे करीबी दोस्त. Opinion तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप दोस्त को एक इसलिए मेरा कोई best friend वाला scene नहीं है. If I say someone close friend, they're literally close to my heart. But if you're a good friend, then good friend. But if you are like a friend, no, friend, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पूरा point explain करना पड़ता ना. The thing is, दोस्तों का like you know हर किसी का अपना role है. चुतियाप्पा होता है. किसी किसी को लगता है वो अच्छा है. सबका रंडी रोल है. Specifically we say हम लोग का basic था सबका रंडी रोल है. Exactly. मतलब ये दोस्त तेरा अच्छा नहीं है. Like मेरे दोस्तों में क्या होता है मास के साथ इसका नहीं बनेगा. मेरा किसी से नहीं बनता. इसका नहीं बनता. तो आई एम न्यूट्रल विद एवरीवन. मेरे साथ किसी का कोई इश्यूज नहीं होता. मैं हर किसी का सही होता हूँ. ना कोई चुतियापा होता है ना कुछ. बट मेरा बाकी दोस्त एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स होता है तो मुझे हमेशा फेस करने पड़ता है. तो आई एम लाइक आई जस्ट इग्नोर द फैक्ट. आई एम लाइक यार एवरीवन हैज ओपिनियन. कोई कोई बोलता है ओ तेरा ये दोस्त वीर्ड है. तेरा ये दोस्त बहुत चूती है. तेरा दोस्त ये पागल है. तो इसके साथ क्यों घूमता है. ये टॉक्सिक है. ये वो है. आई एम लाइक ब्रो शट द फक अप. लाइक यू नो जस्ट शट द फक अप बिकॉज यू आर वन ऑफ दोज ऑल्सो. लाइक यू नो सिंपल एज दैट. सो तेरे अंदर भी चुतियापा है. बिकॉज हर किसी के अंदर चुतियापा है. बिकॉज द थिंग इज शायद मास के अंदर कोई चुतियापा होगा जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. एवरी वन हैज नो वन इज परफेक्ट. सो सिंपल मेरा ये लोच है कि हर कोई अपना आपको सोचता वो बेस्ट है. सो या बट मेरा ओपिनियन में सब मेरे लिए सेम है. नो वन इज अलग. जब क्लोज फ्रेंड में ग्रुप में आप आते हो मेरा एवरी वन इज रिस्पेक्टेड द सेम वे. रिस्पेक्ट लव सब कुछ इक्वली मिलता है. But yeah, that's my answer, I think. Okay, so yeah. Me. Are you still in love with your ex? Or have any feeling? जब तू उसको देखता है, तेरा दिल दुखता है, धक 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 करता है. बता honestly opinion है, honestly. I do not know मतलब क्या है? मुझे क्या पता मतलब? No, I need your answer. Yes or no? सच बोल. Yes or no? Yes. Yes. Oh damn. Yeah, my boy. Hey, my boy. अच्छा. I can never lie about my feelings. हाँ मुझे पूछना. ज़्यादा फीमेल को. बस ये सोचो पूछा अभी मुझे. अच्छा. Do you still have feelings for her? Technically, I mean, no. To be honest, because before starting this year, I made a promise like because she chose the one who she wanted. I didn't want to be pain in the ass because I'm not that kind of person and I would never force anyone to be with me. Because प्यार forcefully नहीं होता. So she chose the guy who has money, who has everything. On a serious note, it doesn't matter to me. She chose the one who she wanted. मुझे literally कोई issue नहीं हुआ. She wanted to be with me like as a friend, but मुझे नहीं चाहिए था. I'm like nah, fam, I'm not in this shit. इसलिए मैंने उसके year के starting से हर जगह से cut, 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 cut कर दिया. Because I'm like तुमने जिसको choose किया उसके साथ खुश रहो. And I pray for you कि आप खुश रहो उसके साथ. So simple as that. Yeah, no feeling. No harsh feelings also. I hope you get married with him. And yeah, but I'm not gonna come and sing Channa Mere in your wedding day. That's for sure. That was fucked up.